छत्तीसगढ़ में अब किसान उन्नत खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके द्वारा लगातार सब्जियों की खेती की जा रही है। सब्जियों की खेती में बैंगन की खेती बेहद महत्वपूर्ण होती है। दरअसल बैंगन से सब्जी, बैंगन का भरता, बैंगन भजिया, बैंगन के रोस्टेड आइटम बनाए जाते हैं। ऐसे में बाजार में बैंगन की अच्छी डिमांड रहती है। अगर आप भी बैंगन की उन्नतशील खेती करना चाहते हैं तो ग्राफ्टेड विधि अपना कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। एक एकड़ में ग्राफ्टेड बैंगन लगाने में 2420 पौधों की आवश्यकता होती है। 11 रुपए एक पौधे की कीमत है। बैंगन के पौधे, दवाई, बिजली बिल, जुताई के खर्च, यानी कुल मिलाकर 1,00,000 लागत एक एकड़ भूमि पर खेती करने से लगती है, जिससे 50 से 60 टन उत्पादन होता है। अगर कम से कम 5 रुपए प्रति किलो भाव से अगर बैंगन बिकता है तब से आपको 2,50,000 रुपए का इनकम होगा। लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती है कि 5 रुपए में बैंगन आपका बिके, उससे ज़्यादा ही बिकता है। यानी जाहिर सी बात है कि आपका इनकम भी ज़्यादा ही होगा। अगर आप भी ग्राफ्टेड बैंगन की पौधे खरीदना चाहते हैं तो राजधानी रायपुर के समीप नंदनवन रोड पर स्थित चावड़ा बाग से आप खरीद सकते हैं। सीबी नर्सरी के मैनेजर मुकेश कोडियार ने बताया कि पौधे का 20 से 25 प्रोडक्शन बढ़ता है। यानी आपको अगर किसी प्रकार की अन्य खेती करने में समस्या होती है तो आप ग्राफ्टेड बैंगन की खेती कर सकते हैं। आगे मैनेजर मुकेश कोडियार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने जो ग्राफ्टिंग की है यहाँ से, ये 45 डिग्री कोण पे इसको पैड एंड पैन पॉलीहाउस के अंदर पे हम तैयार करते हैं। और जब पौधा तैयार करने के लिए हमें कम से कम 75 दिन का टाइम लगता है, और 75 दिन में हमें नर्सरी का रूट स्टॉक उससे पहले तैयार करना पड़ता है। उसके बाद में रसायन उसका जो हाइब्रिड पौधा रहता है उसको तैयार करते हैं। दोनों का तना मैच करना चाहिए और 45 दिन के कोण पे एक को उल्टा एक को सीधा करके लगाना रहता है। ये प्रोसेस पैड एंड फैन पॉलीहाउस में तैयार करते हैं। इसको लगाने से बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा जो पौधा है, एक तो विल्ट और दूसरा नेमिटोड, दो परेशानी आती है जमीन संबंधित, दोनों परेशानियों से टोलरेंट रखता है हमारे पौधे को, और हमारा प्रोडक्शन जो है 20 से 25% प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है इससे। इस प्रकार से इसको लगाया जाए, और इसको लगाने के लिए क्या है, विशेष तौर पर हमें ये देखना रहता है कि हमारी जमीन में ढाल है कि नहीं है, गोबर खाद अच्छा डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है, पचा हुआ गोबर खाद यूज़ करना है, कच्चा गोबर खाद यूज़ नहीं करना है कभी भी किसान भाई को। और साथ ही साथ इसके अंदर में हमें पीछे पीछे एक एक गिलास पानी डालना चाहिए ताकि ज़मीन के अंदर में एयर बबल नहीं रहना चाहिए, गर्म हवा का क्षेत्र बोलते हैं वो नहीं रहना चाहिए। एक गिलास पीछे से पानी डाल देंगे तो एयर बबल निकल जाएगी पूरी पूरी। कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ? ये पूरे छत्तीसगढ़ तो लग ही रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीएनआर 212 का काफ़ी अच्छा प्रचलन है यहाँ पे, और काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ लगाया जाता है। साथ ही साथ पूरे यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल इधर भी चालू हो गया है, ये बैगन की प्रजाति वहाँ भी लगाई जा रही है। छत पर भी लगा सकते हैं अपने घर? बिल्कुल, छत पर भी लगा सकते हैं, मगर उसके लिए गमला थोड़ा सा बड़ा चाहिए। इसमें क्या होता है, जड़ का विकास काफ़ी अच्छा बड़ा, मतलब अच्छी ज़्यादा मात्रा में इसका जड़ का विकास होता है, क्योंकि इसके अंदर में जो जड़ वाला हिस्सा है वो जंगली बैगन का है, तो उसके कारण क्या होता है कि 2 से 2.5 फीट इसकी जड़ की विकास होती है, जिसके कारण अब नीचे से पोषक तत्व तो उठा के हाइब्रिड पौधे को देता है, और हाइब्रिड पौधा क्या करता है, प्रोडक्शन देने का काम करता है। इसीलिए हम इस कह सकते हैं कि 20 से 25% प्रोडक्शन अधिक ले सकते हैं। सर, अगर किसी को बैंगन का ये पौधा लेना रहेगा तो कहाँ से ले सकते हैं? सर, चावड़ा बाग से ले सकते हैं, चावड़ा बाग चंदनडी नंदनवन रोड रायपुर। कोई संपर्क नंबर सर, मोबाइल नंबर आपका? 777-101-8885, ये मेरा मोबाइल नंबर है।